स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल रिपेयर ए टू जेड में। तो यह है हमारा MIUI 12 का फर्स्ट इंटरफेस। आज मैं आपको अपने Redmi 4X पे MIUI 12 का रिव्यू दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो यह है इसका डेस्कटॉप। तो MIUI 12 इंस्टॉल करने के बाद में आपको फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो, यहाँ पे नीचे पे सर्च बार आ चुका है। अभी तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले बड़ा चेंजेस आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे, देख सकते हो पूरे के पूरा चेंज हो चुका है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अभी ISO डिजाइन में हो चुका है। और दूसरा चेंज, राइट से अगर स्वाइप डाउन करोगे तो कंट्रोल पैनल खुलेगा और लेफ्ट से स्लाइड डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा। ठीक है, राइट में कंट्रोल पैनल और लेफ्ट में नोटिफिकेशन पैनल। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो माय डिवाइस पे मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस नेम में हमारा MI अकाउंट और डिवाइस का कोड नेम दोनों मतलब एक साथ दिखा रहे हैं मॉडल को। तो ऑल स्पेसेस में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ऑल स्पेसेस में कुछ ऐसा है। और भाई इसका सिक्योरिटी पैच देख सकते हो, कुछ अजीब सा हरकत कर दिया है इसका डेवलपर ने भाई। अभी पाँच देख सकते हो 5/5/2020 है ना, अभी तो भाई 5 का मंथ ही नहीं स्टार्ट हुआ है और ये 5 कहाँ से आ गया। और लाइट फोनिक्स का कर्नल यूज़ किया गया है जो कि अच्छा, काफ़ी अच्छा इस पर परफॉर्मेंस देता है। चलिए और दिखा देता हूँ कुछ चेंजेस। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन पे भी ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ नए स्टाइल से इस पर है जो कि परफेक्ट वर्क कर रहा है ये सब। और यहाँ लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट दिखा रहा है यहाँ पे कि कौन से डिज़ाइन पे रखते हो, जैसे ऐसे रखना है तो मैं इसे रख देता हूँ। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट परफेक्ट काम कर रहा है, फेस अनलॉक भी परफेक्ट काम कर रहा है। और दिखा देता हूँ डिस्प्ले। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हो कि हमारे जो इसका UI है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे डिस्प्ले जो है काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है देख सकते हो। अब जैसे मैं इसको स्लाइड करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसे वन UI जैसा लुक देने की कोशिश किया गया है। रीडिंग मोड इस पर काम कर रहा है, डार्क मोड भी काम कर रहा है, बस डार्क मोड में आपका सेजुअल काम नहीं करेगा। और ये चल रहा है पाई पे, देख सकते हो एंड्रॉयड पाई है इसलिए आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। तो एडिशनल पे दिखा देता हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो एडिशनल पे भाई आप लोगों को नोटिफिकेशन लाइट का कस्टमाइजेशन मिल जाएगा देख सकते हो, जो कि वर्केबल है। ग्रीन करोगे तो ग्रीन काम करेगा, रेड करोगे तो रेड काम करेगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है इस पर। बाकी इस पर क्विक बॉल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसका जो ओपन होने का नोटिफिकेशन है थोड़ा सा चेंज किया गया है इसे। अब बैक आते हैं, अब वो देखते हैं इस पर MIAI। तो भाई ये AI तो चाइनीज़ का है, सिर्फ चाइनीज़ लोगों का सुनता है, हमारा तो सुनता ही नहीं है। उसके बाद आते हैं स्पेशल फीचर पे। तो भाई स्पेशल फीचर पे आपको गेम टर्बो मिलता है, वीडियो टूल बॉक्स मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे, और क्विक रिप्लाई मिलता है जो कि MIUI 11 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद किड्स स्पेस है, सेकंड स्पेस है, MIUI लाइव है, लाइट मोड है। तो भाई ये सब फीचर्स जो है हमारे Redmi 4X में शायद ही मिलते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इस पर। अब आ जाते हैं होम की तरफ। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चेंजेस। तो भाई ये सबसे पहले दिखाता हूँ सिक्योरिटी पे। देख सकते हो इसका सिक्योरिटी ऐप जो है बिल्कुल ही डिज़ाइन बदल चुका है, देख सकते हो एकदम कूल। बस आपको यहाँ पे बैटरी पे थोड़ा सा कमी लगेगा क्योंकि भाई
बैटरी मीन्स बैटरी सेवर पे, यहाँ पे सिर्फ बैटरी सेवर दिया गया, अल्ट्रा बैटरी सेवर नहीं दिया गया है। थीम्स यहाँ पे आपको चाइना वाले मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये चाइना का ही रोम है। जब हमारे इस ग्लोबल स्टेबल का आएगा तब जाके आपको इसका फिक्स मिलेगा। और इतने सारे ऐप्स मिलेंगे आपको फर्स्ट बूट में। अगर आपको प्ले स्टोर चलाना है तो भाई उसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल इंस्टॉलर की हेल्प से। इस पे बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर नहीं मिलता है। दिखा देता हूँ फाइल्स को थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से है फाइल्स का इंटरफेस, जो कि पुराना वाला है, इसमें न्यू नहीं है। बाकी सबका डिज़ाइन लगभग लगभग सेम है। और इस पे कुछ ऐप्स वगैरह की कमी तो मुझे लग रहा है। फॉर एग्जांपल इस पे मुझे कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा इस पे। तो भाई ये था इसका कंप्लीट इंटरफेस। तो कैसा लगा आपको MIUI 12 भाई, ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैं यूट्यूब चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और भाई बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैंने इसे रात में इंस्टॉल किया था, तकरीबन तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, पूरे रात में सिर्फ जस का तस पड़ा रहा। बैटरी 90% था, वो 90 का 90 ही था। जो 90 से 89 हो गया वो सिर्फ अभी हुआ है ये रिकॉर्डिंग के दौरान। तो बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है भाई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए विजिटर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।